आज राज्यसभा में पेश होगा चुनाव सुधार बिल। कल लोकसभा में मिली थी मंजूरी, बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में चुनाव सुधार बिल पर बोले कानून मंत्री रिजिजू, विरोध करने वाले दल संसद की स्थायी कमेटी में नहीं थे शामिल। मीटिंग में कई मंत्रियों ने अपने प्रोजेक्ट्स पर भी रखी रिप्रेजेंटेशन। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का फैसला हुआ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने विपक्ष पर संसद की गरिमा गिराने का आरोप लगाया, अपने एक्शन पर पश्चाताप जताया निलंबित सांसद। चुनाव सुधार बिल पर सरकारी सूत्रों ने कहा है कि बिल में लंबे समय से चले आ रहे सुझावों को शामिल किया गया। चुनाव सुधार बिल पर कांग्रेस नेता खड़गे का हमला, कहा वोटर लिस्ट के आधार से जोड़कर कमजोर वर्ग को वोटिंग के अधिकार से वंचित करना चाहती है सरकार। प्रियंका चतुर्वेदी ने चुनाव सुधार बिल को लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ बताया, वोटर्स की हर चीज की होगी निगरानी। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर आज संसद भवन से विजय चौक तक मार्च करेंगे विपक्षी सांसद। मार्च में राहुल गांधी भी हो सकते हैं शामिल। कोलकाता नगर निगम चुनाव की मतगणना जारी, ताजा रुझानों में टीएमसी को एक तरफा बढ़त। 7 सीटों पर जीती टीएमसी, 108 सीटों पर आगे बीजेपी को 4 सीट पर बढ़त, कांग्रेस और लेफ्ट को 2-2 सीट पर बढ़त। शुरुआती रुझान के बाद ही टीएमसी कार्यकर्ताओं का जश्न शुरू, ममता के घर के बाहर जमकर उड़ा गुलाल। नेताजी इंदौर स्टेडियम काउंटिंग सेंटर के बाहर भी टीएमसी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचे, टीएमसी के झंडे के साथ नारेबाजी। आज यूपी के प्रयागराज जाएंगे पीएम मोदी, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के खातों में 1,000 करोड़ रुपए का करेंगे ट्रांसफर, 16 लाख महिलाओं को होगा फायदा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 20 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम भी ट्रांसफर करेंगे पीएम, 1,01,000 लाभार्थियों के खाते में जाएगी रकम। पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए तैयार हुआ है प्रयागराज, कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी 2 लाख महिलाएं। अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ पंजाब के मोहाली में FIR दर्ज, सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स के पुराने मामले में हुई कार्रवाई। अकाली दल नेताओं का दावा, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बदलाव में मजीठिया के ऊपर दर्ज हुआ केस। आज अपने गढ़ में अहंकार भरेंगे अखिलेश यादव, मैनपुरी से एटा तक निकालेंगे समाजवादी विजय यात्रा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गोवा का दौरा करेंगे, 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने बरेली में की नुक्कड़ सभा, सरकारों पर साधा निशाना, कहा पूंजीपतियों का लोन होता है माफ, गरीबों की कुर्की की जाती है। वरुण गांधी का बड़ा बयान, कहा कि गरीबों के नाम पर वोट लेने वालों ने बनाई कोठियां, मैं पैसे के लिए नहीं करता हूं राजनीति, गरीबों के लिए लड़ता हूं। यूपी की तरह मध्य प्रदेश सरकार भी दंगाइयों से नुकसान की भरपाई के लिए बनाएगी कानून, आज या कल मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश होगा बिल। स्वर्ण मंदिर बेअदबी की कोशिश के मामले में SIT आज देगी रिपोर्ट, पंजाब सरकार ने SIT को 48 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा था। घटना के 2 दिन बाद भी बेअदबी की कोशिश करने वाले की नहीं हो सकी है पहचान, पुलिस ने जारी की तस्वीर, लोगों से शिनाख्त करने को कहा। SGPC ने स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की कोशिश की जांच के लिए अलग से कमेटी बनाई है, टीम में होंगे 6 सदस्य। SGPC ने बेअदबी की कोशिश को बताया सोची समझी साजिश, कहा बेअदबी की सजा फांसी हो। पाकिस्तान में एक और मंदिर को बनाया गया निशाना, कट्टरपंथियों ने कराची के योग माता मंदिर में मूर्ति खंडित की। हमलावर ने हथौड़ी से प्रतिमा में तोड़फोड़ की, स्थानीय हिंदुओं के विरोध के बाद हुई गिरफ्तारी, कराची के रणछोड़ लेन में है मंदिर। देश की हवाई सुरक्षा क्षमता हुई और बेहतर और ताकतवर, पंजाब बॉर्डर पर पहला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात। इसी महीने भारत को रूस से मिला है पहला S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, बॉर्डर पर पाकिस्तान और चीन के खतरों से निपटने में सक्षम। BSF की बड़ी कार्रवाई, बॉर्डर के पास गुरदासपुर सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठ को ढेर किया। दिल्ली में संघ प्रमुख मोहन भागवत और मुलायम सिंह की हुई मुलाकात, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के घर हुए समारोह में दोनों एक सोफे पर बैठे नजर आए। जम्मू कश्मीर में बिजली कर्मचारियों ने खत्म की अपनी हड़ताल, प्रशासन ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के विलय पर रोक लगाने का भरोसा दिया है। पंजाब में रेल पटरियों पर दूसरे दिन भी किसानों का धरना जारी, किसान लोन माफ किए जाने और किसान आंदोलन में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजे की मांग। सरकार स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण जारी रखने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दे सकती है रिव्यू पिटीशन, क्राइटेरिया पूरी होने तक जारी रखने की मांग। उन्नाव रेप पीड़ित एक्सीडेंट केस में बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर बरी, दिल्ली की अदालत ने कहा सेंगर के खिलाफ सबूत नहीं। ईडी की पूछताछ के बाद मुंबई लौटे ऐश्वर्या राय बच्चन, पनामा पेपर्स मामले में कल ईडी ने करीब 6 घंटे तक पूछताछ किया। दिल्ली NCR शीतलहर का कहर जारी है, 4 डिग्री तक गिरा तापमान। दिल्ली में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोगों ने लिया है अलाव का सहारा, चाय की चुस्की लेते नजर आए लोग। अमृतसर में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, 2 डिग्री तक गिरा तापमान, मौसम विभाग के मुताबिक 18 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा। घाटे में शुरू हुआ 40 दिन का चिल्लाई कला, जम गई श्रीनगर की डल झील। नागपुर में भी ठंड का कहर, 7 डिग्री तक गिरा तापमान, अलाव तापने को मजबूर हुए लोग। बेहद खराब श्रेणी में है दिल्ली की हवा की गुणवत्ता, AQI 360 के पार। देश के 5 राज्यों में ओमिक्रॉन के 19 नए केस, देश भर में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या हुई 174। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 8 केस मिले हैं, 15 दिन के अंदर 30 लोग हो चुके हैं नए वेरिएंट से संक्रमित।
इंदौर में विदेश से लौटे और 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आए, सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। भारत बायोटेक ने बूस्टर डोज के लिए किया आवेदन, तीसरे चरण के ट्रायल के लिए आवेदन। देश में कोरोना के 5,326 नए केस, 24 घंटे में 453 लोगों ने गंवाई जान। अमेरिका में ओमिक्रॉन से पहली मौत, टेक्सास में अभी तक कोई वैक्सीन नहीं लेने वाले शख्स की मौत। अमेरिका में पिछले एक सप्ताह में 6 गुना बढ़े ओमिक्रॉन के केसेस, कोरोना के कुल मामलों में 73% केस ओमिक्रॉन के आ रहे हैं। न्यूयॉर्क में कोरोना टेस्ट के लिए लंबी कतार लगी, क्रिसमस और ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए टेस्ट करवा रहे हैं लोग। न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन के बावजूद खुले रहेंगे स्कूलों में दी गई 2 मिलियन कोविड टेस्ट किट। ब्रिटेन में एक हफ्ते में 50% तक बढ़े हैं ओमिक्रॉन के केस, बोरिस जॉनसन ने कहा है कि सख्त पाबंदियों के लिए रहे तैयार। WHO ने ओमिक्रॉन के कारण दुनिया भर में क्रिसमस का जश्न रद्द करने की सलाह दी, सरकारों से खुद की और दूसरों को बचाने के लिए कठिन फैसले लेने को कहा। इटली में क्रिसमस सेलिब्रेशन पर लग सकती है पाबंदियां, अगले हफ्ते होगा फैसला। ओमिक्रॉन को लेकर बोले अमेरिका के टॉप एक्सपर्ट फाउची, डेल्टा वेरिएंट से भी तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन का पता लगाने वाले डॉक्टर का बयान, साउथ अफ्रीका में अनवैक्सीनेटेड लोग हुए ओमिक्रॉन के गंभीर शिकार, आईसीयू पहुंचे 10 मरीजों में 9 अनवैक्सीनेटेड लोग शामिल। मुंबई में कार से 35 लाख की लूट मामले में मास्टरमाइंड गिरफ्तार, अहमदाबाद से हुई गिरफ्तारी, 5 आरोपी अब भी फरार। लूट से पहले रेकी करने के लिए अहमदाबाद से बाइक पर मुंबई आया था आरोपी, वारदात को अंजाम देकर वापस भागा अहमदाबाद। मुरादाबाद में 8वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा लापता, महिला थाने के बाहर धरने पर बैठे परिजन छात्रों ने अपनी मां के खिलाफ दर्ज कराई थी FIR। विजयवाड़ा में लूट के आरोपियों को पुलिस ने दबोचा, 6 लोग गिरफ्तार, लूट के 1.33 करोड़ कैश बरामद, 1.64 करोड़ रुपए लूट कर भागे थे आरोपी। गुजरात के वडोदरा में पुलिस ने ईव टीजिंग के आरोप में 15 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के नीमराना में एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के गोदाम में लगी भीषण आग, बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। अलवर जिले के नीमराना इलाके में जापानी कंपनी जायकन के गोदाम में लगी आग, दमकल की एक दर्जन गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। ओडिशा के संबलपुर में गुटखा फैक्ट्री में आग, 25 लोग झुलसे अस्पताल में भर्ती। मुंबई में अज्ञात शख्स ने की फायरिंग, एक शख्स हुआ घायल, जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से बंद पड़ी खदानों के पास अपने शावकों के साथ नजर आई बाकी, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। लखनऊ में स्वतंत्रता संग्राम की थीम पर जोरदार ड्रोन शो, करीब 500 ड्रोन का किया गया इस्तेमाल। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रेजिडेंसी में हुआ है ड्रोन शो, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी मौजूद रही। भुवनेश्वर में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर, बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं खरीदारी। लक्षद्वीप में शुक्रवार को स्कूलों की छुट्टी रद्द, अब सिर्फ रविवार को ही होगा अवकाश। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ने छात्रों ने बनाया 300 फीट लंबा चित्रकला प्रदर्शनी में हिस्सा लिया, लोगों को चुनाव के लिए जागरूक करने के लिए बनाई पेंटिंग। हैदराबाद के युवाओं में नया क्रेज, 125 साल पुरानी रूमी टोपी पहनने का शौक बढ़ा, 250 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक कीमत। जर्मनी में अमेरिकी सेना की गाड़ी में ट्रक ने मारी टक्कर, हाईवे पर हुआ हादसा। सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी, 8 जवानों को जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। मलेशिया में आई बाढ़ के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर, घरों में फंसे हजारों लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। हाईवे पर फंसे लोगों को बचाने का काम भी जारी, बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू के लिए अपनाए गए हैं हजारों जवान मैदान में। बाढ़ की वजह से 3 लोगों की गई जान, सरकार ने कहा जितनी बारिश हुई आमतौर पर उतनी 1 महीने में होती है। इसराइल में ट्रैवल बैन के बाद एयरपोर्ट पर पसरा सन्नाटा, करीब करीब खाली दिखाई एयरपोर्ट। वेनेजुएला में सेंटा रेस का किया गया आयोजन, सैकड़ों की तादाद में लोगों ने लिया हिस्सा। तुर्की में बिगड़ती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पीएम ने कई उपायों का ऐलान किया, डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर है लीरा। अमेरिका के ताइवान रिलेशन एक्ट पर चीन को सख्त एतराज, एक्ट को बताया अवैध और एक तरफा। कोरोना के कारण दर्शकों के बगैर खेली जाएगी भारत और साउथ अफ्रीका की सीरीज, स्टेडियम में एंट्री पर पाबंदी। विराट कोहली की बल्लेबाजी पर काम कर रहे हैं कोच राहुल द्रविड़, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में दिखेंगे बदलाव। पाकिस्तान के स्टार स्पिनर यासिर शाह का 14 साल की बच्ची से रेप का आरोप, दर्ज हुई FIR, पीड़िता ने कहा है कि फ्लैट और गाड़ी का लालच दिया। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड का फरमान, यूयू टेस्ट में 8 मिनट में लगानी होगी 2 किलोमीटर की दौड़, नहीं कर पाने पर कटेगी सैलरी, टीम में नहीं होगा चयन। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान बने सिक्सर किंग, T20 में साल के टॉप 10 सिक्सर किंग की लिस्ट जारी, लिस्ट में भारत की ओर से सिर्फ रोहित शर्मा का नाम। एशियन सीरीज के बाकी 3 मैचों के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम का ऐलान, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड की वापसी। दूसरे टेस्ट में जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया की ICC रैंकिंग में छलांग, श्रीलंका के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को बड़ी जिम्मेदारी, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट्स आयोग का सदस्य बनाया गया। टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल कोरोना पॉजिटिव हुए,
नडाल ने ट्वीट करके जानकारी दी। देश के अलग अलग सेक्टर के सीईओ से मिले पीएम मोदी, इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए मांगे सुझाव, ईज ऑफ डूइंग का दिया भरोसा। खाद तेल की कीमतें कम करने के लिए सरकार की कवायद, सरकार ने घटाई रिफाइंड पाम ऑयल पर 5% इंपोर्ट ड्यूटी, 17.5% से घटाकर अब इसे 12.5% किया गया। भगोड़े विजय माल्या और नीरव मोदी से सरकार ने वसूले 13,109 करोड़ रुपए, दोनों की संपत्ति बेचकर वसूली रकम, वित्त मंत्री ने दी जानकारी। अक्टूबर में 17 लाख से ज्यादा बढ़े हैं जियो के कस्टमर्स, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने गवाए हैं 14 लाख से ज्यादा ग्राहक, ट्राई ने जानकारी दी। रिलायंस फॉर फैशन डिजाइनर अनामिका खन्ना के फैशन ब्रांड AKOK में करार, मिलकर बनाएंगे ज्वाइंट वेंचर। श्री सीमेंट और आंध्र प्रदेश सरकार में हुआ करार, गुंटूर में कंपनी लगाएगी सीमेंट फैक्ट्री, 1500 करोड़ रुपए का निवेश। 58 साल के हुए गोविंदा, मुंबई एयरपोर्ट पर काटा केक, पत्नी सुनीता ने गोविंदा को खिलाया केक। मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही कार्तिक आर्यन को फैंस ने घेरा, आर्यन ने फैंस के साथ सेल्फी ली।